हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अंजलि कर. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रेडल. सो दिस इज द 14th वीडियो ऑफ आवर मिनी मैथ सीरीज एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज की वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखेंगे, टू हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी. ओके, सो बहुत सारे बच्चों ने इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख रखा होगा. तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं दो इनइक्वालिटीज लिख रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट इनइक्वालिटी इज 2x+4 डिवाइडेड बाय x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. एंड द सेकेंड वन इज x+3 डिवाइडेड बाई x-2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2. सो अभी आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट इन दोनों इनइक्वालिटीज को खुद से सॉल्व करना है. ठीक है, एंड आई कैन बेट यू अगर 10 बच्चे सॉल्व करेंगे ना, 10 में से 8 या 9 बच्चे यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करेंगे. ठीक है, तो अभी आप वीडियो को पॉज करके आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और फिर देखिए कि जो आपने आंसर निकाला और जो अब मैं करने जा रही हूँ, क्या दोनों मैच कर रहे हैं. ठीक है, तो अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ जैसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, जैसे कि इस इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, इस x-1 को ना यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x-5, और यहाँ से इसको सॉल्व करके कुछ कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, बट हमको यहाँ एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी इनइक्वालिटीज की बात आती है, हम लोगों को जो हमारे पास एक्स की जो फंक्शनैलिटी है ना, उसको चेंज नहीं करना. लाइक अगर हमारे पास 5 है राइट हैंड साइड में, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को हमेशा राइट हैंड साइड को ना पहले क्लियर करके चलना है. मतलब मुझे इसको 0 बना के चलना है. ठीक है, तो मुझे अगर इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं ले आऊंगी अपने लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये क्या बन जाएगा, 2x+4 डिवाइडेड बाय x-1 -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं करना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और मेरे को सॉल्व कर दे, क्योंकि यहाँ से भी सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा, यहाँ से भी इसका कुछ कुछ सॉल्यूशन आएगा, बट हमको वो नहीं करना. ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. सो दिस विल बी x-1 2x+4 -5x+5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करती हूँ इसको, तो ये बन जाएगा -3x+9 डिवाइडेड बाय x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो अभी हमने लास्ट वीडियो में वेवी कर्व मेथड के बारे में पढ़ा था, तो अब वो जो मेथड है ना, वो इस स्टेज पे हमको काम आने वाला है. ठीक है, तो इसीलिए पहले वेवी कर्व मेथड पढ़ना जरूरी है, ताकि हम लोग इस टाइप की इनइक्वालिटीज को आराम से सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो अब मुझे वही करना है कि पहले वेवी कर्व मेथड है ना, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है. ठीक है, तो जैसे ही मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, तो -3 को कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से. सो दिस विल बी -3 टाइम्स ऑफ x-3 डिवाइडेड बाय x-1 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब अगर माइनस साइन से दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी उल्टी मिल जाएगी. तो इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड. सो दिस विल बी x-3 डिवाइडेड बाय x-1 दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब अगर यहाँ वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, तो हम लोगों को सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है 1 एंड दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट 3. अब द इनइक्वालिटी सेज दिस फंक्शन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स आई कैन टेक एक्स इज इक्वल्स टू 3, बट आई कैन नॉट टेक एक्स इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 द फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड. ओके, सो दिस पॉइंट कैन नॉट बी इंक्लूडेड एंड 3 कैन बी इंक्लूडेड हेयर. ओके, सो बाई यूजिंग वेवी कर्व मेथड, दिस साइन विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी अगेन पॉजिटिव. ओके, सो आई कैन से दैट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज नेगेटिव आर
1, 2, 3 and including 0.3. So x belongs to 1, 2, 3 and 1 is the open bracket and 3 will be the closed bracket. So these are the solutions for the first inequality. ओके अब सिमिलरली जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में सॉल्व किया है, सेकंड में भी सेम बच्चे फिर से वही गलती करेंगे. क्या इसके अंदर वापस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फिर कुछ कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, बट हमको ये चीज़ नहीं करनी. हमें क्या करना है, पहले राइट हैंड साइड को क्लियर करके दैट मीन्स उसको जीरो बनाना है. तो टू आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो. ओके सो अभी हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो. सो दिस विल बी माइनस एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो. अभी वापस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे एक्स का कोफिशियंट वन चाहिए इंस्टेड ऑफ माइनस वन. सो वी कैन टेक आउट माइनस वन कॉमन, सो इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड. सो दिस विल बी एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. ओके अगेन वी विल डू द सेम थिंग, वी विल मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स हेयर एंड वी विल सॉल्व बाय यूजिंग द वेवी कर्व मेथड. सो द फंक्शनल वैल्यू विल बी, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी अगेन पॉजिटिव. ओके एंड वन मोर थिंग वी हैव टू टेक केयर दैट वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी टू, दैट मीन्स दिस पॉइंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड एंड दिस पॉइंट कैन बी इंक्लूडेड. ओके सो वी कैन से दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन सेवन टू इन्फिनिटी. ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर सेकेंड इनइक्वालिटी. तो अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल तो इनका सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है. अब अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे ऐसे वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ जो इनइक्वालिटी फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे और इनइक्वालिटी सेकंड को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है. सो अगर ये मेरे पास स्टार है और ये मेरे पास स्टार डैश, कोई एक नई इक्वेशन है, ठीक है. अब मुझे ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स चाहिए जो दोनों के अंदर हो, मतलब मुझे कॉमन सॉल्यूशन चाहिए दोनों इनइक्वालिटीज का, राइट. सो हमारे पास जो पहला सॉल्यूशन आया वो क्या आया, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल वन एंड क्लोज इंटरवल थ्री, राइट. दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन सेवन टू इन्फिनिटी. ओके सो अब मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पे ना दोनों सॉल्यू, तो थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं, हाँ. सो नंबर लाइन पर इसको प्लॉट कर देना है, ठीक है. ये मेरे पास है वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज सेवन. ओके सो प्लॉट दिस सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज वन टू थ्री, दैट मीन्स दिस पॉइंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड एंड दिस इज वन टू थ्री, दिस शुड बी इंक्लूडेड. एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज माइनस इन्फिनिटी टू टू, दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन एंड द सेकेंड इज सेवन टू इन्फिनिटी, दिस शुड बी इंक्लूडेड एंड दिस इज इन्फिनिटी, राइट. सो अब मुझे क्या चाहिए, ऐसा वैल्यूज चाहिए जो ग्रीन भी हो और जो ब्लू भी हो. तो अगर हम इसको यहां से देखें तो हमें ऐसा कौन सा पार्ट मिल रहा है जो हमारे पास ग्रीन भी होगा और जो हमारे पास ब्लू भी होगा, ठीक है. तो अगर मैं देखूं ये वाला पार्ट वन से लेके टू तक का, दिस पार्ट इंक्लूड्स ग्रीन पार्ट ऑल्सो एंड ब्लू पार्ट ऑल्सो. सो आई कैन से दैट द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज बोथ द इनइक्वालिटीज आर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल वन एंड क्लोज इंटरवल टू और ओपन इंटरवल. शुड आई इंक्लूड टू हेयर, नो, बिकॉज टू इज ओपन हेयर. सो द कॉमन वैल्यूज आर वन टू टू. ओके सो दिस इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ द इनइक्वालिटी. तो अभी आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है, दैट इज एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वन. ओके सो अभी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. अभी यहाँ वापस अभी इसके अंदर क्या होगा, लाइक पिछले जो क्वेश्चंस थे वहां से हम लोगों को कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा था, ठीक है.
अभी जब इस इनइक्वालिटी को वापस उसी तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको ये बिल्कुल ही अनसेटिस्फाई होता हुआ दिखाई देगा, मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ से ऐसा लगेगा कि ये इनइक्वालिटी ही गलत है, बट लेकिन इसको अगर हम सही मेथड से सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या सोल्यूशन आएगा इस इनइक्वालिटी का। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।